अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम आपका काशी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिपेयरिंग में। हमेशा की तरह आज एक और न्यू वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर। जैसा कि ऑन स्क्रीन ये CRT टीवी और इसमें प्रॉब्लम ये साइड विथ जो है ये तकरीबन 1 इंच या 2 इंच जो है ये छोड़ देती है हमारी पिक्चर ट्यूब। तो इसका क्या सलूशन है, क्या हाल है? आपने अगर विथ से कंट्रोल इसको किया है, इसका चापर भी लगाया है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका ये प्रॉब्लम यहाँ पर हल नहीं हो रहा, तो आपने किस सेक्शन को फॉलो करना है और कहाँ से आपने इस फॉल्ट को ट्रेस करना है, ये सारा कुछ वीडियो में आपको बताऊंगा। यहाँ पे ये देखें, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। ये हमारे पास ये ट्रांजिस्टर है जो कि विथ को हमारे को कंट्रोल करता है, और उसके बाद यहाँ पे ये हमारे दो वेरिएबल लगे होते हैं। तो ये इनको एडजस्ट करने के बावजूद अगर आपका ये फॉल्ट यहाँ से क्लियर ना हो, तो ये आपने इसको किस तरह रिपेयर करना है, आपने इसको फिर किस तरह ठीक करना है, तो ये हमारी वीडियो है। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा, और स्पेशली हमारे यंग टेक्नीशियन जो हैं उनके लिए आज मैं एक बहुत ही पॉइंट की बात बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखें, यहाँ पे तकरीबन 1-2 इंच ये जो है एक साइड जो है छोड़ रही है। तो इसको आपने कहाँ से चेक करना जो है स्टार्ट करना है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने मीटर को AC वोल्ट पर कर लेना है। और AC वोल्ट यहाँ पर ये देखें, ये हमारा हीटर है, ये इस पॉइंट को आपने ट्रेस कर लेना है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है और दूसरी जो है हमारी ये एक रेजिस्टेंस से लगे हुए आगे ये हमारे कैथोड तक हमारे वोल्टेज जा रहे हैं। तो ये और दूसरा पॉइंट जो है आपने बाहर फॉलो कर लेना है, और ये यहाँ पे ये हमारी एक रेजिस्टेंस लगी हुई है ये, और इसके साथ ही एक हमारा जेनर डाइवोड यहाँ पर लगा होता है, और ये वो वोल्ट हैं व्यूअर्स जो हमारे यहाँ पर जो AC वोल्ट हैं हीटर के, वो वोल्ट जो हैं यहाँ पर इस IC तक पहुँचते हैं, थ्रू होते हैं। तो अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बहुत सी जगहों पे आपका फॉल्ट जो है ये इस तरह आपकी सिंक आएगी। यहाँ पे तो ये 2 इंच या 3 इंच की पट्टी आ रही है एक साइड पे, लेकिन ज़्यादातर चांस जो होता है वो इसका सिंक आता है, और वो इस तरह होता है जैसे ब्लैक एंड वाइट TV में आपकी हॉरिजॉन्टल कोयल जब मिसट्यून हो जाए तो वो आपके वो जो पट्टे स्टार्ट हो जाते थे आपकी CRT ट्यूब पर, तो इस किस्म का फॉल्ट जो है ये स्टार्ट हो जाता है क्योंकि आपकी H फ्रिक्वेंसी जो है वो सही तरीके से काम नहीं करती। तो यहाँ पे ये देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने वोल्टेज को यहाँ पे चेक कर लेना है, जो हमारे 5-6 वोल्ट जो या 5 वोल्ट हमारे हीटर के आ रहे हैं वो हमारे यहाँ पे थ्रू आउट होने चाहिए। एक इसमें ये 10K की यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, और एक 7.2 वोल्ट का यहाँ पे उसको प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे हमारा जैनर लगा होता है। तो ज़्यादातर हाथ जो है हमारा जैनर यहाँ पे ख़राब हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है किसी भी वजह से, तो इसको हमने चेक करना है, और उसके बाद ये रेजिस्टेंस जो है बजाते ख़ुद भी ये ख़राब हो सकती है, इसको भी हमने चेक करना है यहाँ पे किस चीज़ का फॉल्ट था और हमने इसको किस तरह रिपेयर करना है, हमने इसको किस तरह ठीक करना है। तो ये जैनर जो है यहाँ पर ये हमारा शॉर्ट था, और रेजिस्टेंस जो है हमारी बिल्कुल ओके थी, लेकिन ये जैनर की वजह से जो कि 7.2 वोल्ट का है, इसकी जगह हम कोई और लगा देंगे और इस फॉल्ट को ट्रेस आउट करने की कोशिश करेंगे, कि अगर ये शॉर्टेज हुई है तो हो सकता है कि आगे भी कोई मसला हो या IC का बजाते खुद जो है ये प्रॉब्लम हो, लेकिन इस तरह हो नहीं सकता क्योंकि हमारी वीडियो जो है उसके बाद हमारी ऑडियो ये बिल्कुल ओके है, लेकिन ये विथ का प्रॉब्लम है क्योंकि मुकम्मल तौर पर यहाँ से सिंक जो है ये हमारी IC को नहीं पहुँच रही। तो ये आपने एक रेजिस्टेंस लगा लेनी है, और उसके बाद आपने दूसरा जैनर जो है यहाँ पे इसको चेंज कर लेना है, पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव और नेगेटिव की जगह पे आपने नेगेटिव लगा लेना है। यहाँ पे ये देखें, ये आपने पहले कंटिन्यूटी आपने चेक कर लेनी है, ये हमारा जैनर ओके है, तो ये हम लगाएंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि हमारा ये फॉल्ट यहाँ पे क्लियर होता है कि नहीं। और जितने भी व्यूअर्स हमारे यंग टेक्नीशियन हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को एंड तक देखा करें, ताकि आपको सही तरीके से हमारी वीडियो की समझ आ सके। और ये जो है जितनी भी हमारी वीडियो होती हैं ये आपकी आसानी के लिए होती हैं, ताकि आपका टाइम बच जाए, क्योंकि जितने भी हमारे यंग टेक्नीशियन होते हैं उनको नहीं पता होता कि हमने किस चीज़ से स्टार्टअप करना है, कहाँ से हमने चेकिंग इसकी शुरू करनी है और कहाँ पे ख़त्म करनी है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये आपने जो है पहले चेक कर लेना है, एक तो नज़री मुआयना हर वीडियो में आपको बताता हूँ, और उसके बाद ये फॉल्ट जो है सही फॉल्ट जो हमारा TV होता है, जो हमारी स्क्रीन होती है, ये बताती है कि हमारा फॉल्ट इस सेक्शन में है। तो ये देखें, यहाँ पे ये वोल्टेज हमारे क्लियर हो चुके हैं, और उसके बाद ये जैनर भी हमारा अब शॉर्ट नहीं रहा। तो यहाँ पे ये हमारी आज की ये वीडियो मुकम्मल होती है। आप देखें, ये मुकम्मल तौर पे वोल्टेज भी उसके ओके हैं, और ये
बिल्कुल क्लियर ओके हो चुकी है हमारी टीवी। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो, आज की ये कावश पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।